माय गॉड सॉरी, गिरते गिरते बची मैं। यार शादी के नाम से मेरी तो भाई बहुत पड़ती है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद येट अनदर वीडियो। एंड आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एज यू गाइज नो दैट स्कूल फ्रेंड की शादी है एंड उसी के लिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग तो जरूर फिल्म करना चाहिए, कंटेंट भी हो जाएगा एंड एक तरह से मेमोरी भी बन जाएगी, जब भी हम चाहें बाद में जाके देख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड यार शादी के नाम से मेरी तो भाई बहुत पड़ती है, लेकिन क्या ठीक है, सबकी कुछ टाइम पे होती है एंड ऑफकोर्स आई मीन ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है उसको कब करनी है, सो या नो जजमेंट्स ऑन दैट। आज है 8th of February एंड अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे, सो आज है उसकी इंगेजमेंट एंड कल मेहंदी एंड परसों हल्दी एंड देन परसों ही शादी। एंड अभी मेरे को अपने स्किन पे थोड़ा सा सिरम एंड ऑल लगाना है, देन उसके बाद मैंने आज इंगेजमेंट है एंड शाम को 8 या 8:30 तक मैं जाऊंगी, सो अभी मुझे गेट रेडी भी शूट करना है। होप एवरीथिंग गोज वेल एंड आई विल सी यू सम टाइम। मैं अपना जा रही हूँ गेट रेडी विद मी शूट करने, मैंने अपना आउटफिट में चेंज कर लिया है, मैं आपको फुल लुक थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आफ्टर गेटिंग रेडी एंड अभी मैं शूट करती हूँ। देन आई जस्ट गाइस आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस थोड़ा सा मस्कारा एंड ऑल बाकी एंड आई एम डन, अभी पूरा फुल आउट। सो गाइज वी आर हेयर एंड अंदर चल रही इंगेजमेंट, एक्चुअली हो गई, हम लोग थोड़ा लेट आए एंड अभी हम लोग थोड़ा बाहर कुछ खाने पीने आए हैं एंड लाइट चारों तरफ से हो रही है, सो लेट्स सी अभी थोड़ा बहुत डांस होगा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, आई मीन इस तरफ ज़्यादा बेटर रहेगा, ये रुको यहाँ पे फोटो अच्छी आ रही है। लोग वेट कर रहे हैं श्रुति के आइसक्रीम खत्म करने का, फिर हम लोग चलेंगे घर। गाइस सो आई एम डन विद द डे, आई मीन मैंने आउटरो इंट्रो सब शूट कर लिया, वो जो मैंने इस पूरे मेकअप लुक का मैंने वो बनाया था गेट रेडी विद मी, सो मैंने उसका आउटरो इंट्रो सब कुछ शूट कर लिया है एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 12, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, सो या एंड आई एम रियली लविंग माई मेकअप हाउ इट्स लुकिंग। ये ना बिल्कुल नेचुरल है एज इन यू कैन सी माई क्लोजअप एंड इसका ना मतलब क्या बोलते हैं गेट रेडी विद मी भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पूरी आउटफिट मेरी कैसी थी, इट्स अ काइंड ऑफ बेज एंड पिंक, सो मैंने पिंक किया, मुझे लिपस्टिक का शेड बहुत पसंद है, अगर इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई यू हैव टू सी माय गेट रेडी विद मी। कल रात भी मैं सुबह के मतलब कि कल सुबह के मैं 5 बजे सोई थी, रात में मैं वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि घर पर काम चल रहा है तो पूरा दिन ढक ढक पे होता तो आई कॉन्ट शूट वीडियोज़, सो मैंने रात के 5 बजे तक कल फिल्म किया है, फिर आज मतलब क्या आज ही फिल्म किया, आज के सुबह के 5 बजे तक मैं सोई हूँ, फिर मैं आई थिंक 11 बजे उठी हूँ, आई नो सुबह उठ गई थी, अभी मुझे एक वीडियो एडिट करनी है जो कि मुझे कल फॉर श्योर किसी भी हालत में लाइव करनी है, इट्स लाइक अ वैलेंटाइन डे गिफ्टिंग ऑप्शन वाला एक वीडियो है, सो इट्स बेटर टू मेक इट लाइव टुमारो एनी हाउ एंड आई विल सी यू गाइस इन माय ऑन माय नेक्स्ट डे, आई मीन टुमारो। सो चेकिंग आफ्टर इससे कह लो आप, कल मैंने लास्ट चेक इन किया था एंड अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी आई एम गोइंग टू रेडी फॉर हर मेहंदी एंड हाँ नेल्स मैंने उतार दिए क्योंकि आई कॉन्ट एबल टू वर्क विद देम, काफ़ी टाइम बाद मैंने लगाए थे, सो अभी मैं जस्ट पैकिंग हर गिफ्ट एंड आई छः
6 बज चुके हैं, अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने मेहंदी के लिए. सो आई सी यू आफ्टर गेटिंग रेडी. एक्चुअली मैं सोच रही थी कुछ फिल्म करना रेडी, मतलब एज अ रियल टाइप ऑफ लेट्स सी अवर फिल्म और नॉट, एंड रेडी होने के बाद मिलती हूँ एंड देन फिर हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं. सो या गाइस आई एम ऑल रेडी. मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया है, एकदम कह लूँ नो मेकअप भी नहीं है, मतलब मेकअप लग रहा है. बट यार दिस इज माई आउटफिट मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी. मैंने बहुत ही लाइट सा किया, आज बहुत ज़्यादा ठंड है एंड कल हो रहा है कि बारिश हो. सो आई डोंट नो, कल शादी है, बारिश हो ओपन एरिया में, सो लेट्स सी बारिश ना हो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है किचन एंड ऑल. सो आई विल सी यू आफ्टर रीचिंग देयर एंड वहीं पे मिलते हैं. मैंने ना कल आके मेहंदी धो दी थी, लिटरली मैंने धो दी थी, उसके बाद मैंने वैक्स लगा लिया था एंड इसमें इतना केमिकल होता है कि ये रची जाती है. आई मीन इधर भी हो गया. सो या आई विल सी यू सम टाइम. इट्स 10th इवनिंग एंड अभी बस मैं रेडी होने जा रही थी, तो मैं फेस वॉश करने जा रही थी. मैंने बाल अपने कर्ल करिए, अभी इनको ओपन करना बाकी है. सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस वॉश विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड. मैं इसको 2 वीक से यूज़ करती आ रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ना ये मेरे एक्ने के जो स्पॉट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है. सो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इसके साथ ये सिलिकन ब्रश भी है इसके अंदर, वेट लेट मी शो यू. सो ये सिलिकन ब्रश भी है इसके अंदर ऐसा, तो ये जब मैं अपने फेस पर लगाती हूँ ना तो जो मेरे यहाँ पे जितने भी जैसे ब्लैक है व्हाइट हेड्स होते हैं ना वो सब निकल जाते हैं, विच आई रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो या लेट्स यू. एज यू गाइस कैन सी कितना ज़्यादा डर्ट आया है इसमें, विच आई रियली लाइक अबाउट दिस ब्रश, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा अंदर से क्लीन करता है जितना भी जो डर्ट होता है. जैसे कि मैं मेकअप कर रही हूँ 3 दिन से बैक टू बैक, सो जो भी अगर कुछ भी रेसिड्यू रह जाता है ना तो इसमें अच्छे से आ जाता है, विच आई रियली लाइक अबाउट दिस. एंड या सो लेट मी वॉश माई फेस एंड आई विल बी ब्राइट. हाय गाइस, आई हैव यूज्ड दिस फेस वॉश एंड इट मेक्स माई स्किन लुक मोर प्लम्प एंड फ्रेश एंड बिकॉज इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड हिमालयन थर्मल्स विच मेक्स इट हैपन कि अगर मैंने पानी कम पिया है तो मेरी स्किन में थोड़ा सा वाटर को इन्फ्यूज करते हैं एंड मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा प्लम्प एंड हाइड्रेटेड हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये फेस वॉश. एंड ना मुझे इससे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे एक्ने के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे थे ना काफ़ी ज़्यादा डार्क थे, लेकिन ये मैं 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे काफ़ी कम हुए हैं, आई डोंट नो हाउ. And I also after this I also apply this Mama Earth Aqua Glow Hydrating Sunscreen Gel with Himalayan and Thermal Water and Hyaluronic Acid. इसमें भी same ingredients हैं and इसमें calendula भी है which has vitamin E and amino acids which makes my skin to look more plump and supple and hydrated which I love about this product. मैंने sunscreen mostly ना foam cream based use की है but ये gel based है and it's suiting my skin a lot. So ये this is how the sunscreen looks like. I mean I don't know, yeah this is how the sunscreen looks like and ये ना gel form में है, तो मतलब आप देख सकते हो इसका कुछ टेक्सचर ऐसा है दिस. एंड ये मैं ना इसको मॉइस्चराइजर के कभी कदार मॉइस्चराइजर से पहले मतलब मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये दोनों का काम करती है, मेरी स्किन को अच्छा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती है साथ ही साथ एक सनस्क्रीन का भी काम करती है विच इज़ लाइक रियली गुड. आई मीन आपको डबल डबल चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं. सो मुझे मैं तो उसको मॉइस्चराइजर की तरह भी लगा लेती हूँ क्योंकि ना मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है एज अ मॉइस्चर. हैज़ SPF 50 PA++, सो विच इज़ लाइक रियली गुड SPF अमाउंट ऑफ SPF. आई मीन इतने SPF आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए. सो विच इज़ रियली गुड. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू. मुझे तो काफ़ी पसंद आया. ये फोम थोड़ा कम करता है बट आई एम लाइकिंग इट्स इफेक्ट. आई मीन जो इफेक्ट मेरे स्किन को दे रहा है ना, कम मेरे पता नहीं क्यों एक्ने मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं विच आई एम रियली लविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. एंड अगर आपको सनस्क्रीन जेल बेस्ड चाहिए आपकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन टाइप है तो आप ये वाली सनस्क्रीन ले सकते हो. यू गाइस नो दैट मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल केमिकल फ्री एंड पैराबेन फ्री एंड ऑल्सो डर्मेटोलॉजी टेस्टेड विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स. ये दोनों प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए वो सारे स्किन टाइप को सूट करेंगे बट स्पेशली कॉम्बिनेशन अगर ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये
ये वाला फॉर्मुला काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा. सो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो. एंड यू गाइस मस्ट बी नोइंग दैट मामाअर्थ इज एन इंडियन एंड अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. इट रिसाइकल्स मोर प्लास्टिक देन इट प्रोड्यूसेस. एंड गाइस यू कैन यूज माय कोड दैट इज राइट हियर एंड आप उससे ना 20% आपको ऑफ मिलेगा विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग ऑन देयर वेबसाइट. सो गाइस मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़न, नाइका एंड पर्पल. सो यू कैन ऑल्सो गेट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर एज वेल. एंड मामाअर्थ का ना खुद का भी ऐप है. सो अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया सो गाइस प्लीज डाउनलोड इट राइट नाउ. एंड एवरी टाइम यू मेक अ परचेज फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट दे विल प्लांट अ ट्री एंड द एग्जैक्ट जियोलोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री विल बी सेंड टू यू विच इज लाइक अ ग्रेट इनिशिएटिव. सो या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दीज प्रोडक्ट्स एंड लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग. अभी मैंने ना ये लगा लिया सो आई विल गिव इट सम टाइम टू माई स्किन टू अब्सॉर्ब. अभी मैं जा रही हूँ अपना आउटफिट चेंज करके रेडी होने एंड गेट रेडी विद मी शूट करने विच इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ. सो लाइक विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. एंड मैं आपको ऑफकोर्स सारी डिटेल्स दूंगी मैंने कहाँ से लिया साड़ी एंड कौन क्या. एंड मैं एक इन्फ्लुएंसर को भी जिनसे मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी पूरा लुक का, तो मैं उनको भी ऐसे ही करके रील बनाने वाली हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट गो टर्न्ड आउट. एंड या आई विल सी यू इन सम टाइम. सो वी आर जस्ट गोइंग एंड मम्मा भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ. एंड सो गाइस आई एम जस्ट रेडी. एंड पीछे बहुत बुरा हाल है क्योंकि रेनोवेशन हो रहा है एंड हम लोग बैड कैब का वेट कर रहे हैं जो कि पता नहीं कहाँ पे है, किधर टहल गई है, आई डोंट नो, अभी तक आई नहीं है. एंड लेट्स सी कहाँ रहती है. एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग. आई मीन अभी वहाँ का वहाँ पे फुल लुक दिखाती हूँ. चल सो वी आर इन द कैब एंड हम लोग जा रहे हैं. एंड कुछ नहीं दिख मैं नहीं दिख रही हूँ ही नहीं रहा को ही दिख रहा हूँ. हाँ आप दिखेंगे सब. एंड ये हमारी फ्रेंड है रोनन जो जिनसे हम लोग मैं लास्ट टाइम से तभी मिली हूँ जब हम लोग स्कूल में थे राइट है ना. उसके बाद तो मिले नहीं है एंड अब मिल रही है. आई मीन कितना बहुत साल हो गया राइट है ना, काफी पाँच छह साल बाद मैं रोनन से मिल रही हूँ. शिवानी से तो मिलती रहती हूँ. एंड हियर इज शी. आज फाइनली मिसेस बन जाएगी. कैसा लग रहा है शिवानी ब्राइड बन के? दुख हो रहा है, खुशी नहीं हो रही. बता सही बताओ कैसी फीलिंग आ रही है? ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग है. ऐसा अच्छा मतलब ये ऐसा लड्डू ना जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए. खा रहे हैं कुछ मीठा. चीनी थक गई हो कि नहीं? बहुत ज्यादा. अफकोर्स बहुत ज्यादा. घर चलना है? अफकोर्स मैं तो सब से कह रही हूँ घर चलने, बट मैं चल नहीं रही हूँ है ना. फोटो खिंचानी अभी फोटो थोड़ी और होंगी उसके बाद घर चलेंगे. सो या गाइस वी आर जस्ट लीविंग द वेन्यू एंड हियर इट इज. बहुत ठंड है यार आज. फेबरी में इतनी ठंड पहली बार हुई है क्योंकि मतलब इतनी होती नहीं है फेबरी तक ठंड. एंड आई एम गोइंग बैक एंड लो उबर ड्राइवर का भी कॉल आ गया. ओह माय गॉड सॉरी, गिरते गिरते बची मैं. हाँ ठीक है. सो अभी मैं रखती हूँ क्योंकि उबर आई थिंक आ गई है, सामने ही है. सो 6533 है, इट्स अराउंड 1 बजने वाला है. सो अभी घर चलते हैं. Let me sit. Oh my God. So I am done with this vlog. Actually मतलब क्योंकि ये 10th है एंड अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड मेरा जो शूट बाकी था वो सब मैंने आगे किया एंड आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा दैट हाउ टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड आई एम फीलिंग. सो या इस वक्त कौन आया यार बाहर? आई डोंट नो मतलब खैर चलो कोई भी होगा. एंड आई जस्ट केम हेयर टू
एंड दिस व्लॉग राइट नाउ एंड आई होप आपको ये वेडिंग व्लॉग पसंद आया हो. अगर पसंद आया है डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन गाइस. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए मेरे चैनल से. एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून. एंड डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट दैट इज माय इंस्टा हैंडल इज तानिया जायसवाल मेकओवर्स. आपको अगर मेकअप पसंद आया है तो मैंने वीक इसका रिक्रिएशन किया है वो भी वहां पे आने वाला है. एंड साथ ही साथ मेरे चैनल पे ये मेकअप का फुल ट्यूटोरियल भी आने वाला है. अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया, बहुत ही सिंपल प्रिटी येट ग्लैम पार्टी मेकअप लुक है. इफ यू वांट टू नो हाउ आई अचीव दिस लुक देन डू स्टे ट्यून्ड. ये वीडियो या तो इससे पहले आई होगी या तो इसके बाद, मोस्टली इसके बाद ही आएगी, इस व्लॉग के बाद आएगी. हाउ गेट रेडी विद मी. सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू गाइस. बाय.